हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट लॉलीपॉप की यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। ये टू इन वन रेसिपी है, इसे बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए अब बिना कोई देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओरियो बिस्किट चॉकलेट लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट। ये 10-10 रुपीज़ वाले ओरियो बिस्किट के पैकेट हैं। सबसे पहले हम इन ओरियो बिस्किट्स को पैकेट से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन बिस्किट से क्रीम को अलग करेंगे। इस तरह से पहले हमें बिस्किट को खोल लेना है और वाइट क्रीम और इन ब्लैक बिस्किट्स को अलग रख लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप नाइफ या किसी की भी हेल्प से क्रीम और बिस्किट को अलग कर सकते हैं। हम सारे बिस्किट्स क्रीम को इस तरह से अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी क्रीम और बिस्किट दोनों को अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर का एक जार, उसके अंदर हम इस तरह से सारे बिस्किट्स को थोड़ा सा तोड़ते हुए डालेंगे ताकि हमारा जो पाउडर बने वो फाइन बने। ये देखिए, मैंने ओरियो बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक किया है मैंने इसे। अब हम सारे बिस्किट पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है दूध। दूध आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो, ठंडा हो, गर्म हो, उबला हुआ हो या बिना उबला हो, कोई सा भी दूध चलेगा यहाँ पर। और ये क्रीम है जो कि अभी हमने अलग निकाली थी बिस्किट की। और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी या फिर 1/3 कटोरी रोस्टेड मूँगफली के दाने लिए हैं। अब हम इस भुनी हुई मूँगफली के अंदर डालेंगे 1 चम्मच शुगर। आप चाहे तो 2 चम्मच शुगर भी ले सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं। और 2 चम्मच फुल भर के डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे हम खोपरे का बुरादा भी बोलते हैं। अब हम इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा मोटा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सबको थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब हम इस सारे मिक्सचर को ओरियो बिस्किट की क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले हम ओरियो बिस्किट का एक डो रेडी कर लेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और एक अच्छा सा स्मूथ डो रेडी करेंगे। इसमें दूध बहुत ही कम लगेगा, आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा दूध ना डालें। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालते जाएं और इसे गूंथते जाएं। ये देखिए, हमें इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पंच कर देना है ताकि ये अच्छा स्मूथ हो जाए। ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ लग रहा है। अब हम इस मिक्सचर को ओरियो बिस्किट की क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम फिलिंग बना रहे हैं हमारी लॉलीपॉप की। इन सबको पहले आप हाथ या चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर भी हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा दूध। इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दूध लगेगा। हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं। वैसे भी हमारी बिस्किट की क्रीम थोड़ी सी लिक्विड है, इसलिए हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सिर्फ बाइंडिंग के लिए छोटी 2 से 3 चम्मच दूध लगेगा। ये देखिए, हमारा डो भी रेडी है और हमारी फिलिंग भी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलिंग के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बनाने हैं हमें। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा प्रेस करते हुए फिंगर्स की हेल्प से हथेलियों के बीच में गोल गोल छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेना है। अब हमें सारी बॉल्स इसी तरह कर बनाकर रेडी कर लेनी है छोटी साइज़ की। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है, हमारी फिलिंग वाली बॉल्स को। आप देख सकते हैं हमारा डो भी पहले से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इसकी स्मूथनेस थोड़ी कम हो गई है। अब हम इसे भी थोड़ा सा और चिकना बना लेंगे गूंथ कर। उसके बाद हमने फिलिंग वाली 9 बॉल्स बनाई है, इसलिए हम यहाँ पर 9 पीसेस तोड़कर रख लेंगे।
इस ओरियो के डो के। ये देखिए मैंने यहाँ पर 9 पीसेस कर लिए हैं, उसमें से हम एक पीस उठाएंगे और इस तरह से उसे भी एक गोल गोल बॉल बनाना है। फिलिंग वाली बॉल से थोड़ी बड़ी साइज की बॉल बनेगी यहाँ पर। बड़ा हो या छोटा कितना भी हो, हमें टोटल ही 9 बॉल्स बनानी है ओरियो की, क्योंकि हमने फिलिंग वाली बॉल 9 बनाई है, हमें उन सबको एडजस्ट करना है और इस तरह से फिलिंग वाली बॉल को, बाहर वाली बॉल को थोड़ा फ्लैट करके उसके अंदर फिल कर देना है और इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से इसे एडजस्ट कर लेना है। ओरियो बिस्किट की पहले हमें गोल बॉल बनानी है, फिर उसे फ्लैट कर लेना है, फिर उसके अंदर हमें फिलिंग वाली बॉल रख देनी है, उसके बाद वापस इसे गोल गोल कर देना है। ध्यान रहे कि क्रेक कम से कम रहे, इसमें सारे क्रेक्स तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ फिर भी आप ध्यान रखें कि क्रेक्स कम से कम रहें। मैंने वापस दूसरी ओरियो बॉल ले ली है और उसे इस तरह से फ्लैट कर दिया है। इस तरह से हमें फिंगर्स की हेल्प से बिल्कुल फ्लैट कर देना है इसे, जितना हो सके उतना फ्लैट कर देना है, बिल्कुल पतला, ताकि इसके अंदर जब हम फिलिंग रखें तो हमें इसे रोल करने में, गोल गोल बॉल बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर दिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग को इस तरह से रख देंगे सेंटर में और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से मुंह बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसका मुंह बंद कर देना है टाइटली, ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले हमारे डो से। फिंगर्स की हेल्प से इसे अच्छे से सेट करने के बाद वापस इसे गोल गोल हथेलियों के बीच में अच्छे से घुमा लें, एक स्मूथ बॉल रेडी करें। ये देखिए हमारी बॉल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें सारी बॉल्स इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने सारी ओरियो बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत क्रेक जो है दिख रहे हैं। सारी बॉल्स बनाने के बाद आप इस तरह से एक एक बॉल को लें और इस तरह से प्रेस करते हुए एक बार और अच्छे से सेट कर लें फाइनली। इसके बाद हमें नहीं करना है। ये देखिए सारी बॉल्स को मैं इसी तरह से थोड़ा टाइटली प्रेस करते हुए अच्छे से इसको एक बार और स्मूथ बना लूँगी, जहाँ तक हो सके इसका क्रैक कम कर देंगे। अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे, उससे पहले हम इसके अंदर लगा देंगे ये टूथपिक, इससे कि ये लॉलीपॉप के शेप में आ जाएगी। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिना टूथपिक के ये ओरियो बॉल्स बन जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर ओरियो लॉलीपॉप का शेप दिया है इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अब हम इसे घंटे भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब घंटे भर बाद हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक तपेली में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी लिया है, उसके ऊपर मैंने एक बर्तन रखा है, उसके अंदर मैंने लगभग 50 ग्राम या फिर एक कप के करीब डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। मैंने उस तरह से उसको तोड़कर डाला है, इससे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हमारी ओरियो लॉलीपॉप या फिर ओरियो बॉल्स को ट्विस्ट देने के लिए हम इसे कोट करेंगे कंपाउंड चॉकलेट से। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं हो तो आप अदर कोई भी डेरी मिल्क वगैरह कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। हमारी चॉकलेट ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमने नीचे का बर्तन हटा लिया गर्म पानी का। अगर आपके पास कांच का बाउल नहीं हो तो आप यहाँ पर स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले लिया है और हमने फ्रिज से इन ओरियो लॉलीपॉप को भी निकाल लिया है। अब हम एक एक लॉलीपॉप उठाएंगे और जल्दी से हम इस तरह से चॉकलेट सिरप के अंदर हमारी ओरियो लॉलीपॉप को डिप करेंगे, ओरियो बॉल्स को इस तरह से हमें इसे डिप करना है। टूथपिक लगाने के दो फायदे हैं, एक तो ये लॉलीपॉप के शेप में आ जाएंगी, इससे कि बच्चे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। उसके अलावा हमें इस तरह से चॉकलेट के अंदर कोट करने में आसानी होगी, क्योंकि इसे पकड़ने में आसानी होती है, वरना ओरियो बॉल्स को चॉकलेट सिरप के अंदर डिप करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर,
सूखा नारियल का बुरादा या खोपरे का बुरादा, इससे कि इसमें और भी बढ़िया ट्विस्ट आ जाएगा। ये देखिए लग रही है ना हमारी लॉलीपॉप बहुत ही यमी। बस अब हमें इसी तरह से सारी ओरियो चॉकलेट लॉलीपॉप को इस तरह से रेडी कर लेना है। थोड़ा सा स्पून की हेल्प ले लें आप, अगर अच्छी तरह से नीचे तक कोट नहीं हो पाती, या फिर आप सारी चॉकलेट सिरप को एक कटोरी में, छोटी कटोरी के अंदर डाल सकते हैं। इससे भी आपको डिप करने में आसानी होगी, अच्छे से कोट हो जाएगी हमारी लॉलीपॉप चॉकलेट सिरप के अंदर। बस हमें सारी लॉलीपॉप इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने सारी लॉलीपॉप बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे डीप फ्रिज से निकाल लिया है। डीप फ्रिज में रखने से ये और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएंगी, इसकी टूथपिक जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है और ये बहुत ही यम्मी लग रही है। ये दिखने और खाने में दोनों में ही बहुत ही टेस्टी है, इससे बच्चे भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आप ये बड़ों को सर्व करना चाहते हैं एज ए स्वीट मिठाई की तरह, तो आप इसके अंदर से टूथपिक निकाल लें और इसे ओरियो बॉल्स या लड्डू की तरह सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ओरियो बॉल काट कर भी बताती हूँ कि यह अंदर से कैसी है या फिर कितनी यम्मी है। ये देखिए वाओ, कितनी यम्मी, कितनी अच्छी लग रही है हमारी ओरियो बॉल या फिर ओरियो लॉलीपॉप। मैंने कहा था ना कि ये 2-in-1 रेसिपी है। प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।